या स्पिरिचुअल? आध्यात्मिक या भौतिक सांसारिक? इंद्रिय तृप्ति हो रही है या इंद्रिय भगवान की सेवा में लगी हुई है? नहीं, रूखा सूखा खाने की जरूरत नहीं है आपको। आप 56 प्रकार के शुद्ध व्यंजन बना के भगवान को अर्पण कीजिए, अरदास कीजिए और प्रेम से खाइए संतुलित भोजन। तो भगवान की सेवा में जब आपकी ये पांचों ज्ञानेंद्रियां लग जाएंगी तो पूर्ण संतुष्ट हो जाएंगी। और संतुष्टि का कोई मार्ग नहीं है संसार में। इंद्रिय किसी की संतुष्ट नहीं हुई, नहीं तृप्त हुई। तृष्णा मिटी ही नहीं किसी की। ये महापुरुषों के शब्द हैं, वाक्य हैं। आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। ये तृष्णा संसार की नहीं मिटती। आदमी मर तो जाता है लेकिन तृष्णा नहीं मिटती। जैसे रेगिस्तान के अंदर धूप के अंदर एक मृग प्यासा दौड़ता है ये जान करके कि वो पानी भरा दूरी पर, दौड़ता जाता है, दौड़ता जाता है, लेकिन वहां पानी नहीं होता। वो तो मृग मरीची का है, भ्रम है। वो सूर्य की किरणें, तेज किरणें बालू के रेत के कणों में ऐसे चमकती है और उसकी वाइब्रेशन से हिलती नजर आती है, ये पानी हिल रहा हो, पानी में लहरें उठ रही हो दूर। तो हिरण दौड़ता है, भागता है, भागता भागता वहां जाकर देखता है पानी नहीं है, लेकिन आगे फिर नजरें पसारता है, फिर उसको वही पानी भरा हुआ नजर आता है, फिर दौड़ता है, दौड़ता है, ऐसे दौड़ता दौड़ता मर तो जाता है, प्राण त्याग देता है, लेकिन उसकी प्यास तृप्त नहीं होती। ऐसे ही संसार है। नहीं, आपकी इंद्रिय तृप्ति, मन की तृप्ति, आपकी आशाओं की तृप्ति, आपकी तृष्णा जब ही बुझेगी जब आप भगवान की सेवा में होंगे, भगवान की शरण लेंगे, इससे पहले नहीं। भगवान श्री कृष्ण परम पिता परमेश्वर हैं, उन्हीं के सारा खेल है, अनंत ब्रह्मांड है। ब्रह्मा विष्णु महेश उनके अंश अवतार हैं, क्षीरोदक्षय विष्णु महाविष्णु ये सब उनके अंश अवतार हैं। कृष्ण को सभी शास्त्रों ने परमेश्वर नारायण वासुदेव कह के बोला है। वसुदेव जी के पुत्र बनकर वो प्रकट हुए इसलिए उनका एक नाम वासुदेव भी पड़ा है। इसलिए भगवान की सेवा में होना बहुत जरूरी है। शोचम, तो हमारा आहार जब शुद्ध होगा तो हमारे मन की भी पवित्रता हो जाएगी, बुद्धि की भी पवित्रता हो जाएगी। आपका जब मन शुद्ध हो जाएगा तो आपके वश में आ जाएगा। आपकी इंद्रियां जब शुद्ध हो जाएंगी तो आपके वश में आ जाएंगी। अशुद्ध इंद्रियां, अशुद्ध मन वश में नहीं आता। जिस मन की आदतें बिगड़ गई हैं, चैन स्मोकर बना हुआ है, ड्रंकार्ड बना हुआ है, चोर बना हुआ है, उचक्का बना हुआ है, व्यभिचारी बना हुआ है, कैसे आप वश में करोगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अर्जुन के हृदय में एक प्रश्न उठा कि चंचलम ही मना कृष्ण, ये तो बड़ा चंचल है कृष्ण, ये तो बलपूर्वक विषय भोगों में ले जाता है, इसलिए इसको वश में करना बड़ा दुष्कर है, कठिन है। जैसे कोई वेगवती वायु को कोई वश में करना चाहे ठीक वैसे ही भगवान ने कहा कि बिल्कुल सही बोला है, जिसका मन इतना चंचल हो गया है संसार में वो बड़ा दुष्कर है उसको वश में करना।
लेकिन भगवान ने उसकी योग युक्ति बतलाई कि असंशय महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यास इन तु कौंते वैरागेण च गृहते। अर्जुन अभ्यास करो इसको वश में करने का और ये भोग विलासों से वैराग्य को प्राप्त हो जाओ, ये भोग विलासों से दूर हटने लगो। अभ्यास करो स्टेप बाय स्टेप, कट टुडे सिगरेट, कट नेक्स्ट डे वाइन विस्की रम, कट थर्ड डे बियर, कट फोर्थ डे कोको कोला, जस्ट ड्रिंक द निर्मल जल, शुद्ध पानी पीजिए, पानी से खून बनता है, आपका सारा शरीर प्रसन्न होता है पानी पीकर, और कोई वस्तु नहीं है। जूस पी लीजिए, ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, सो मेनी जूस, जूस पी लीजिए, फल खाइए। जिस व्यक्ति का अंतःकरण शुद्ध होता है, शरीर शुद्ध होता है, वीर्य ब्लड शुद्ध होते हैं, वो व्यक्ति का मन भी शुद्ध होता है, इंद्रियां भी शुद्ध होती हैं, तो वश में आसानी से आ जाती हैं। ऐसे ही जैसे कोई अपने पालतू कबूतर को पकड़ करके पिंजरे में कर देता है, ठीक है सही। या आप अपने पालतू कुत्ते को जो चैन से खोल दिया है घूमने फिरने दौड़ते हुए को आप एक विशिल बजा करके, एक सीटी बजा करके पास बुला के और वापस चैन गले में डाल सकते हैं, अपने वश में कर सकते हैं, ठीक वैसे ही ये मन की भी दशा है, वही है। आपने इसको चैन मुक्त कर दिया है, अब ये दौड़ रहा है उधर से उधर, इधर से उधर, दूसरे कुत्तों को सूंघता हुआ, विशिल मारिए आपके पास आ जाएगा, आप चैन डाल दीजिए अपने वश में, ठीक ऐसी आपका मन वश में आ जाएगा। जब ये शुद्ध होगा, इसको बराबर से आपने शुद्धता पर ले गए होंगे, शुद्ध किया होगा इंद्रियों को भी, इंद्रिया भी, मन भी एक इंद्रिय है, छठी इंद्रिय, पांच ज्ञान इंद्रियों के बाद छठा मन का ही नंबर है। तो ये सब शुद्धिकरण का सवाल है, और ये शुद्धिकरण तभी आता है जब आपका आहार शुद्ध हो, आपकी रसना भगवान का प्रसाद खाए, भगवान को अर्पण करके पूरा परिवार भोजन करे, अतिथि को खिला करके आप खाएं, पहले नहीं। आपके घर में अतिथि बैठा हो तो उसको पहले खिलाइए, बाद में आप खाइए। कोई भूखा दरवाजे पर आ गया हो उनको खिलाइए, तो रसना वश में हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी भगवान के प्रसाद से, फिर वाणी भी हरि के गुणगान करेगी, लैला मजनू के किस्से नहीं, लैला मजनू के किस्से तो इतने बुरे नहीं है, लेकिन बहुत नीचे तक उतर के ये वाणी जो है बकने लगती है, कभी गाली देने लगते हैं एक दूसरे को, निंदा करते करते सारा दिन निकल जाता है, जिससे मिले उसी से किसी न किसी की निंदा कर ही बैठते हैं। भाई ये निंदा घृणा और ईर्ष्या ये तो रजोगुण और तमोगुण से प्रकट होती है, यदि व्यक्ति के अंदर रजोगुण और तमोगुण अधिक होगा तो क्या करेगा, वो निंदा करेगा दूसरों की अपनी प्रतिष्ठा पाने के लिए कि मैं देखो सच्चा हूं, घृणा करेगा नफरत करेगा अपने को ऊंचा दिखाने के लिए, फिर जलन करेगा दूसरे का बंगला देख करके, प्रॉपर्टी देख करके, कार देख करके, सुंदर स्त्री देख करके, सुंदर गहने देख करके, सुंदर क्वालिफिकेशन देख करके उसको जलन पैदा होगी। तो ये क्या होती है जलन, क्योंकि आपके अंदर कूट कूट करके रजोगुण और तमोगुण समा गया है, उनके लक्षण है। रजोगुण और तमोगुण की भूमि में से ये अंकुर निकलते हैं,
घृणा के, नफरत के, जलन के, जिस व्यक्ति के हृदय में सतोगुण हो, जिसका मन बुद्धि सतोगुणी हो, जिसका अंतःकरण सतोगुणी हो, सतोगुण प्रबलता पर जिसके पास है, रजोगुण तमोगुण जिसने दबा दिए हैं, नीचे दफन कर दिए हैं, कब्र में दफना दिए हैं, केवल सतोगुण में रहता है, उस व्यक्ति के अंदर विशेष दैवी संपदा प्रकट होती है, दैवी गुण प्रकट होते हैं उसके अंदर, दया प्रकट होती है, करुणा प्रकट होती है, दया मित्रता प्रकट होती है, मुदिता प्रसन्नता प्रफुल्लितता प्रकट होती है। तो ये अभय प्रकट होता है। सतोगुणी व्यक्ति के अंदर बहुत कुछ संपदा होती है। ये भौतिक मिट्टी पत्थर सोने की बात नहीं है, ये संपदा तो वो है जो आपकी सदैव रक्षा करेगी और आगे से आगे ऊंचे लोकों में और भगवान के धाम तक ले जाएगी, आपकी तरक्की ही तरक्की होगी, आपका पतन नहीं होगा। शौच 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 मानी पवित्रता, पवित्रता ही तो परमेश्वर को प्राप्त करती है, क्योंकि भगवान परम पवित्र है, वो परम शक्ति परम पवित्र है, पवित्रता शासन करती है। प्योरिटी इज द फोर्स ऑफ एवरीथिंग, प्योरिफाई योर सेंसेस माइंड्स योर कॉन्शियसनेस, बट हाउ, कैसे आप पवित्रता को प्राप्त होंगे, तो उसमें बतलाया जा रहा है कि आप आहार शुद्ध कीजिए, तो भगवान का प्रसाद खाइए, भगवान को अर्पण करके हाथ जोड़ करके कि आओ मेरे प्रभु, आपने मुझे सब कुछ दिया है, आप पहले पाइए, उस प्रसाद को खाने से आपकी रसना संतुष्ट हो जाएगी, परम संतोष मिलेगा। सोच के बाद में दूसरा स्टेप संतोष ही है। संतोष तभी आएगा आपको जब आप भगवान को संतुष्ट कर देंगे। जब व्यक्ति दूसरों को खिला के खुद खाता है तो बड़ा संतोष मिलता है, खुद ही पकाता है खुद ही खाता है, भगवान कहते हैं वो तो पाप खाता है, भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ति आत्मकारणात्, वो तो पाप खाता है, दूसरों को खिला के खाना, परमात्मा को भोग लगा के खाना, तो आपकी रसना अवश्य में हो जाएगी, फिर ये नहीं भागेगी इधर उधर। फिजूल की बातों में नहीं उलझेगी, फिजूल के स्वाद नहीं करेगी जो आपको फंसाते हैं संसार में। शुद्ध भोजन भगवान को अर्पण करके प्रसाद स्वरूप से आप खाइए। प्रसाद मानी भगवान की कृपा, प्रसाद का संस्कृत का अर्थ है भगवान की कृपा, भगवान की प्रसन्नता, भगवान प्रसन्न होके वस्तु को आपको दे रहे हैं, ये प्रसाद है। प्रसाद को इसलिए प्रसाद को मना नहीं करना चाहिए, तुरंत ले लेना चाहिए, कोई बोले कि लो प्रसाद लाइए जी, भगवान की प्रसन्नता आ रही है। ऐसे दूसरी इंद्रियां हैं, आंखों को वश में करना है भगवान के दर्शन करके, संतों के तीर्थ धामों के, गंगा जमुना सरस्वती पवित्र नदियों के स्थानों के दर्शन करके, शुद्धता के दर्शन करके, ये भगवान की शुद्धता सर्वत्र बिखरी हुई है, चांद तारों में, सूरज में, सूरज की किरणों में, ओस के कणों में उसकी पवित्रता है। ये हरियाली भगवान की, ये पहाड़, इनके दर्शन कीजिए, ये भगवत स्वरूप आए, आपको पवित्रता मिलेगी, आपके नेक चक्षुओं को पवित्रता मिलेगी, कानों से हरि का नाम सुनिए, हरि की कथाएं सुनिए, उनकी दिव्य वार्तालाप सुनिए, कहीं एकांत में शांति बैठ जाए
तो भगवान के गान सुनिए, भगवान के भी गान चल रहे हैं इस ब्रह्मांड में, हवाएं ले लेके आ रही है नए से नए ताजा म्यूजिक, ताजा गान उनको सुनिए। योगी पुरुष अनद की नाद सुनते हैं, अनद धुन सुनते हैं, अनात नाद जो बिना ठोके आवाज आती है, ब्रह्मांडीय आवाज अंतरिक्ष में से आवाज आती है। रात में ध्यान लगा के योगी लोग अनाहत नाद सुनते हैं, मेघ नाद, अनेकों नाद, घंटा शंख बांसुरी वीणा ताल मृदंग नगारी, साधो अनद की धुन नारी। आसन पद्म लगाकर कर से मूंद कान की बारी, झीनी धुन में सुरत लगावा होत नाद जनकारी। पहले पहले रल मिल बाजे पीछे न्यारी न्यारी, घंटा शंख बांसुरी वीणा ताल मृदंग नगारी। दिन दिन करत नाद जब बिकसे काया कंपित सारी, अमृत बूंद झरे मुखमाई योगी जन सुखकारी, साधो अनद की धुन न्यारी। जीता मरे मरा फिर जीवे ये समाधि है, जीता मरे मरा फिर जीवे बिन भोजन बलधारी, ब्रह्मानंद लीन मन होकर देखी बात हमारी, साधो अनद की धुन्यारी। भगवान की बांसुरी बज रही है, सदैव बांसुरी बज रही है, नहीं कोई सुने तब ना, हम तो कुछ और सुनते हैं, ये सुनना चाहते हैं, नहीं कानों को शुद्ध शब्द दीजिए, भगवान की लीला कथाएं, आध्यात्मिक पुस्तकों का उच्चारण करके अध्ययन करने से भी कान तृप्त हो जाते हैं। गीता भागवत पुराण एक से एक भगवान की दिव्य लीलाएं हैं भरी हुई है शास्त्रों में। गुरु ग्रंथ साहब या 36 महाप्रकाश में संतों की वाणी है, शब्द हैं, ज्ञान है, ऐसी वस्तुओं का भोजन कानों को देना चाहिए, आहार देना चाहिए, संतों का स्पर्श, उनके चरणों का स्पर्श, धामों का स्पर्श, स्पर्श इंद्रिय तृप्त होती है। अमरीश महाराज संतों के भगवान के भक्तों का आलिंगन करते थे और किसी का नहीं, भक्तों का आह्वान करते थे, उनको आमंत्रित करते थे, महलों में सुंदर प्रसाद खिलाते थे, उनके शरीरों का आलिंगन, उनके चरण धोते थे, चरणों का स्पर्श करते थे, फिर उनका आलिंगन करते थे और गदगद हो उठते थे। ये स्पर्श है, ये शुद्धता है, पवित्रता है, ये शौच है, शौचम पवित्रता। जब आपका हृदय पवित्र हो जाएगा, आपकी इंद्रियां पवित्र हो जाएंगी, आपका मन पवित्र हो जाएगा, बुद्धि भी चित्त भी, तब आप इनको आसानी से अपने कंट्रोल में, अपने कहे में रख सकते हैं, फिर आप आपके कहे अनुसार चलेंगे, आपकी स्वीकृति बिना ये कदम भी आगे नहीं रखेंगे। यदि आपने बोल दिया कि नहीं तो नहीं, वो नहीं जाएंगे। आपने बोला कि 5 मिनट ठहर जाइए तो ठहर जाएंगे, उनको पूर्ण तसल्ली होगी कि हमारे हित के लिए ठहरने के लिए बोल रहे हैं। पवित्रता का बड़ा भारी योगदान है, चाहे भक्त हो या योगी पुरुष या ज्ञान योगी, सबके जीवन में पवित्रता चाहिए। पवित्रता बिना क्या मिलेगा आपको? अगर गंदगी है हमारे अंतकरण में, गंदगी है हमारे माइंड, हृदय में, माइंड में, तो गंदे स्थान हमको मिलेंगे, गंदी संगत मिलेगी, गंदे ही हमारे खान पान होंगे, गंदा ही हमारा व्यवहार होगा, सब कुछ तो गंदा ही होगा। नहीं, हमको रिफाइंड करना है अपने आप को, हमको प्योरिफिकेशन करना है। हमारे जन्म जन्म से ये परतें लगी हुई हैं, जंक लगी हुई है, इसको रगड़ रगड़ के छुड़ाना है, हमारी भावना को शुद्धता में दर्शाने के लिए, शुद्धतम बनाने के लिए। या कहिए कि बुरे विचारों की कलुषित धूमिल धुआं दूसरी तो ये बादल जो छा गए हमारी पवित्र भावना के ऊपर, इनको हटाना है हमको।
किसी भी तरह से। इनको हटाए बिना हमको कुछ दिखता भी नहीं है, क्या अच्छा है और क्या बुरा, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, कहां जाना है कहां नहीं जाना, किससे कैसा व्यवहार करना है कैसा नहीं करना। नहीं, कोई दुष्ट आदमी है तो उसका आप उपेक्षा भी कर सकते हैं, यह भी स्वीकृति दी है, उसको इग्नोर कर सकते हैं जो आपकी साधना में, आपकी पवित्रता में, आपके शुद्ध विचारों में बाधा बने, उसको आप उपेक्षा कर सकते हैं, उसकी कट कर सकते हैं अपनी अपने मार्ग से, इग्नोर कर सकते हैं, उसके ओर से नहीं निकलिए, दूसरी तरफ से चले जाइए। किस मार्ग में एक दुष्ट आता है और वो मेरी योग साधना में दखल देता है, मुझे परेशान करता है, मुझे तकलीफ देता है, उसको इग्नोर कीजिए, ये शास्त्र का कथन है, उपेक्षा कीजिए उसकी, मैत्र मित्रता कीजिए, करुण दया कीजिए सभी के ऊपर, जीव मात्र के ऊपर मित्रता कीजिए, सबके हितैषी बनिए, मुदिता खुद प्रसन्न होइए और दूसरों को भी उस प्रसन्नता को बांटिए। और जो कोई दुष्ट हो, क्रूर हृदय का हो, उसको इग्नोर कीजिए, वरना वो बार बार आपको बाधा बनेगा। कोशिश करके देखना चाहते हैं तो देख लीजिए कि वो कुछ सुधार पैदा करता है अपनी आदतों में, नहीं करता तो उसको इग्नोर कीजिए, उसकी उपेक्षा कीजिए, इससे आपको सुख मिलेगा और आपकी साधना आगे बढ़ेगी। शोचम पवित्र हुए बिना उस पवित्र को कैसे प्राप्त करेंगे, पवित्र हुए बिना पवित्र धाम आपको कैसे मिल जाएंगे, सिर्फ कहने मात्र से कि लाला जी स्वर्गलोक पधार गए, कर्म तो किए नहीं स्वर्गलोक के, स्वर्गलोक कैसे पधार गए, या चिट्ठी में लिख दिया कि पिताश्री वैकुंठ चले गए हैं पधारना, पिताजी ने जीवन भर काम किए हैं मलिन तो वैकुंठ कैसे चले जाएंगे, वैकुंठ तो पवित्र आत्मा जाती है, जिसने अपना प्यूरिफिकेशन कर लिया है, जिसने अपनी भावना को भगवत मय बना लिया है, कृष्णा कॉन्शियस हो गए हैं, वो व्यक्ति भगवान के धाम की ओर जाते हैं, दूसरे कैसे जाएंगे। शोचम ये नियम के अंदर है, नियम के भी पांच अंग हैं, जय यम के पांच अंग बतलाए, ऐसे नियम के भी पांच अंग है, पहला है शोचम। तो आप पवित्र बनिए विचारों से भी, तन से भी, अंतःकरण से भी, हरि का नाम इसमें बहुत मदद करेगा, हरि का नाम से सारे पाप जल जाते हैं, सारे मैल कट जाता है और आदमी पवित्र बन जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैंने कहा था आपको समय थोड़ा भी हो तो आप इन उंगलियों पे गिन गिन के भी अगर आठ बार, ये बारह उंगलियों के पूर्वे हैं, बारह आबारह 118 हो जाए,